वंदे भारत एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी जाती है साथ में लाती है सौगातें और समृद्धि की बहार। और आज पश्चिम बंगाल में देश की सातवीं वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गति, सुरक्षा और सेवा के ध्येय के साथ निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि ये ट्रेन जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना सिस्टम, ऑनबोर्ड वाईफाई, दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक कोच और कवच सुरक्षा सिस्टम जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक के सफर को आधुनिक, आरामदायक, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। लगभग 11 घंटे के सफर को महज 7.5 घंटे में ही पूरा करेगी। गैंगटॉक दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगी, क्षेत्र में व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वंदे भारत के साथ पश्चिम बंगाल को कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। भारत के शहरी परिवहन को सरल, सुलभ और पर्यावरण के प्रति कम दुष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार तेजी से शहरों में मेट्रो सुविधा का प्रसार कर रही है। कोलकाता वासियों की सुविधा के लिए हो रहा है इसी प्रयास का विस्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के जोका से तारातल्ला तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। अब कोलकाता का दक्षिणी हिस्सा भी शहर के मुख्य बिजनेस एरिया से जुड़ेगा। 6.5 किलोमीटर लंबे इस रूट में 6 एलिवेटेड स्टेशन है। डायमंड हार्बर का सफर, जो सड़क से 30 से 40 मिनट में पूरा होता है, अब मेट्रो से 15 मिनट में पूरा होगा और इसका फायदा प्रतिदिन सफर करने वाले 25,000 से 30,000 लोगों को मिलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास हो रहा है। जून 2025 तक ये स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पूर्वोत्तर का पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल बनेगा। इस हेरिटेज टर्मिनल को अगले 45 सालों तक रेल ट्रैफिक सुगम बनाने के विजन के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोडियम पार्किंग, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग द्वार, दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी से लैस इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए सोलर एनर्जी, जल संरक्षण, वर्षा जल संचय की व्यवस्था होगी। साथ ही आज पश्चिम बंगाल को मिल रही है कई और सौगातें। 25.83 किलोमीटर लंबी बैंची शक्तिगढ़ थर्ड लाइन, जिससे हावड़ा और बर्धमान के मध्य बढ़ेगी यात्रियों की संख्या, मिलेगा छोटे व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों को लाभ। 25.41 किलोमीटर लंबी दानकुनी चंदनपुर फोर्थ लाइन, जो बढ़ाएगी यात्रियों की सुविधा, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग को होगा लाभ। निम्तिता न्यू फरक्का डबल लाइन ट्रैक, जिससे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच सफर में लगेगा कम समय। और अंबारी फालाकाता न्यू मैनागुड़ी गुमानीहाट डबलिंग प्रोजेक्ट, जिससे कूच बिहार और जलपाईगुड़ी क्षेत्र के विकास के खुलेंगे द्वार, यात्रा का समय घटेगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल की क्षमता को इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारतीय रेल देश के साथ साथ संस्कृति, पर्यटन, तीर्थाटन को भी एक सूत्र में पिरो रही है। देश की प्रगति को मिलती रहे एक नई गति, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है भारतीय रेल।